हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है CSF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये टॉपिक आपके मेन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके नॉलेज के लिए, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। आज का टॉपिक ही हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि CSF बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम CSF के बारे में पढ़ेंगे कि CSF क्या होता है, CSF का फॉर्मेशन कहाँ से होता है और CSF का कलेक्शन हम कैसे करते हैं और क्यों हम CSF करते हैं। यह सारा सब कुछ आज डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। देखो, CSF का फुल फॉर्म तो बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट वाला नहीं है। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके नाम में ही इसकी पूरी कथा लिखी हुई है, ठीक है। सेरेब्रो मतलब हम समझे तो यहाँ पर सेरेब्रम से याद करो ब्रेन। आप सीधा सीधा समझ लो कि सेरेब्रो मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल मतलब कि समझे तो स्पाइनल केनाल या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, या फ्लूइड। यहाँ पर एक और है फ्लूइड, तो ऐसा फ्लूइड जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में CSF। क्लियर है कि ऐसा फ्लूइड जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर प्रेजेंट होता है उसे हम CSF कहते हैं। अब ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन आखिर में है क्या? तो CSF एक फ्लूइड है जो कि क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर इसके अंदर नहीं होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई देता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द कहाँ पर? सेरेब्रल वेंट्रिकल्स, स्पाइनल केनाल एंड सब एरिक्नॉइड स्पेस। सब के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अभी हम जब डायग्राम से पढ़ेंगे। तो अभी हमने इतना देखा कि CSF जो होता है वो सेरेब्रल वर्टिकल, स्पाइनल केनाल एंड सब एरिक्नॉइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगला आता है CSF फॉर्मेशन। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ने केवल पढ़ के बता दिया, अभी हम देखेंगे अच्छे से डायग्राम में कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कि सब एरिक्नॉइड स्पेस कहाँ पर होता है, स्पाइनल केनाल क्या होती है और सेरेब्रल वेंट्रिकल क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब आती है CSF फॉर्मेशन की बात। ये तो हमें पता चल गया कि CSF एक फ्लूइड है जो कि कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है। आखिर में CSF का फॉर्मेशन होता कहाँ से है? तो CSF इज लार्जली फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड रिमाइंड इन द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। इन सभी लाइन का जो उत्तर है हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा। तो CSF पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके ब्रेन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये CSF का फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ब्रेन के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बताएंगे वो भी, पर जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम सिस्टम पढ़ेंगे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वैसे हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ब्रेन के बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ ताकि हमको बस ये समझ में आ जाए कि CSF का फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर कहाँ और कैसे होता है। तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर बैठना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे ब्रेन के बारे में थोड़ा मोटा मोटा कि हमारा ये क्या है, हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारी ये क्या है, स्किन है, स्किन के अंदर हमारी खोपड़ी है और खोपड़ी के अंदर क्या है, ब्रेन है। तो ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन के मोटे मोटे हम देखें तो तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के? तीन। सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट मोटा जो पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम, ठीक है। देन आता है सेरेबलम, फिर आता है ब्रेनस्टॉर्म और यहाँ से स्पाइनल कोड जो है वो शुरू हो जाती है। कितने पार्ट है ब्रेन के? तीन, सेरेब्रम, सेरेबलम और ब्रेनस्टॉर्म, ये तीन पार्ट है और यहाँ से स्पाइनल केनाल यानी कि स्पाइनल कोड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये सेरेब्रम और सेरेबलम ये क्या बता रही हूँ, इनका क्या मीनिंग है, लेकिन सेरेब्रम जो है वो अभी आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस सेरेब्रम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सेरेब्रम, सेरेबलम और ब्रेनस्टॉर्म, अब ये तो थोड़ा सा ऊपर का बाहरी बाहरी हो गया, अब थोड़ा सा और इसके अंदर डीप में चलते हैं। देखो, हमारा जो हमने देखा अभी स्किन है, स्किन के अंदर स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो ब्रेन के अंदर कुछ ऊपरी लेयर होती है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली हमारे स्कल के बाद में ब्रेन आ जाता है, नहीं, थोड़ी सी लेयर, कुछ लेयर होती है, थोड़ी सी नहीं, कुछ लेयर होती है। उन लेयर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं लेयर, बस इतना ही मैं बताऊंगी जो आपके CSF में काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाने लगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और कन्फ्यूजन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वो हम डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि स्कल, स्कल के बाद में मतलब स्किन, स्किन के बाद में स्कल और स्कल के बाद में कुछ लेयर होती है। तो हम ऊपरी ऊपर लेयर देख लेते हैं कि सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटर। कौन सी होती है? ड्यूरामेटर। ये हमारी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये जो लेयर दिख रही है इसको हम कह रहे हैं मेनिंजियल ड्यूरामेटर,
ड्यूरामेटर के बाद में एक खाली जगह आती है, यहाँ पर एक खाली जगह आती है, आप गूगल पे सर्च करने देखना, एक एक लेयर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर सारे डायग्राम नहीं लगा सकती, तो अभी मैंने इतना लगा दिया, वैसे यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कहाँ थे हम? हाँ, सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद में एक जो स्पेस होता है, यहाँ पर जो खाली जगह होती है, उसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या कहते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसके अंदर पता है एक और लेयर होती है, यहाँ पर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पायामीटर। क्या कहते हैं? पायामीटर, पायामीटर। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन लेयर बताई, इन तीन लेयर बताने का मतलब क्या है मेरा, आपको मैं ये बताती हूँ। ड्यूरामेटर, सब एरेक्नॉइड स्पेस और फिर पायामीटर। तो ये जो हमने देखा कि हमारा CSF जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो, हमने अभी देखा यहाँ पर कि तीन जगह, सेरेब्रल वेंट्रिकल, स्पाइनल केनाल, इसके बारे में अभी देखेंगे। लेकिन एक और शब्द यहाँ पर आया है, सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या है? सब एरेक्नॉइड स्पेस एक जगह है, खाली जगह है, जहां पर हमारा CSF प्रेजेंट होता है। तो ये ब्रेन के चारों ओर, हम कहते हैं कि ब्रेन के चारों ओर एक खाली जगह होती है जिसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, और उसी के अंदर हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो CSF यहाँ पर प्रेजेंट तो होता है, लेकिन आखिर में CSF का फॉर्मेशन होता कहाँ से है? तो अब हम ये देखते हैं। हमने देखा ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट में सेरेब्रम, सेरेब्रम और ब्रेन स्टम। हम थोड़ा सा और अंदर गए, हमने तीन लेयर पढ़ी। हाँ, अब मैं क्या बता रही थी कि आपको ये जो तीन लेयर मैंने आपको बताई है, इसका मीनिंग क्या है? कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये बनता है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द डायामीटर एंड ड्यूरामीटर। ठीक है, पायामीटर एंड ड्यूरामीटर, पायामीटर और ड्यूरामीटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस प्रेजेंट होती है, और उसी के अंदर CSF प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो अभी तक के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर कैविटीज प्रेजेंट होती है। कैविटीज मतलब कि खाली जगह। ठीक है, खाली जगह प्रेजेंट होती है और वो मिलकर एक चैनल बना लेती है, कई चैनल बना लेती है मतलब, और खाली जगह यानी कि कैविटीज मिलकर चैनल बना लेती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका अलग काम होता है, इनका अलग काम होता है। सभी की अपनी अपनी पहचान होती है ना, जैसे आपकी अलग पहचान है, मेरी अलग पहचान है, वैसे ही हार्ट में जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है उनका अलग काम है, और ब्रेन में जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है इनका अपना अलग काम और इनकी अपनी अलग पहचान है। तो इसके अंदर भी कितने वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं? चार वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक व्यू जो है यहाँ पर एंटीरियर व्यू है, और एक यहाँ पर मैंने लेटरल व्यू बताया है ताकि आपको दोनों तरफ से देख सको आप। ठीक है, तो यहाँ पर चार वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। कितने वेंट्रिकल? चार। एक तो वेंट्रिकल ये और एक ये, इसको हम कहेंगे लेटरल वेंट्रिकल। कितने? कौन सा वेंट्रिकल? लेटरल वेंट्रिकल, जो कि कितने हैं? दो। ठीक है, ये दो लेटरल वेंट्रिकल है। उसके बाद में आता है थर्ड वेंट्रिकल, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल। तीन हो गए। लास्ट में आता है फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये तो हमने एंटीरियर व्यू में देख लिया, अब हम देखते हैं लेटरल व्यू में। ये हमारा लेटरल व्यू है, यहाँ पर देखते हैं कि ये लेटरल वेंट्रिकल आपको इस तरीके से दिखाई देगा, थर्ड वेंट्रिकल इस तरीके से, और ये फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये चार वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, और इन चार वेंट्रिकल के अंदर कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ये कोरोइड फ्लेक्सिस जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो लेटरल वेंट्रिकल है इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा थर्ड वेंट्रिकल आ जाएगा, और यहाँ पर है हमारा ये फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये फोर्थ वेंट्रिकल, हर एक वेंट्रिकल के अंदर उनका कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, और इन कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, और यहीं पर कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर ही CSF का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल के अंदर कोरोइड फ्लेक्सिस होता है, कोरोइड फ्लेक्सिस के अंदर ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, और वहीं पे CSF का फॉर्मेशन होता है। लेकिन होता कैसे है? ठीक है, होता ऐसे है कि भाई हमारी बॉडी में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, तो जब ब्लड कैपिलरीज है तो वहां पर प्लाज्मा भी है, तो जब प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जब प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो CSF का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? जब प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो CSF का फॉर्मेशन होता है। अब ये यहाँ पर एक मिनट में ये हटा देती हूँ आपको अच्छे से समझ, गिव अ वन मिनट। ओके, ये यहाँ पर कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का जाल है, यहाँ पर हमारे CSF का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, CSF का फॉर्मेशन होने के बाद ये आएगा किसके पास में? थर्ड वेंट्रिकल के पास में। थर्ड वेंट्रिकल के पास में भी कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो CSF का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी ऐड कर देगा जो आया है।
तो यहाँ पर जो सीएसएफ आया था तो इसने थर्ड वेंट्रिकल ने इसका भी सीएसएफ इसमें ऐड कर दिया। फिर जाएगा ये किसके पास में, फोर्थ वेंट्रिकल के पास में। किसके पास में जा रहा है ये, यहाँ पर फिर से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल के पास में। फोर्थ वेंट्रिकल ने भी अपना सीएसएफ इसमें ऐड कर दिया। इसमें ऐड करने के बाद ये दो वे में चला जाता है। एक वे जो है वो जाता है इसका सब एरेक्नोइड स्पेस। हमने देखा अभी कि सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ प्रेजेंट होता है। तो वो कैसे होता है, वो इसी तरीके से होता है कि फॉर्मेशन हुआ, थर्ड वेंट्रिकल पे आया, फोर्थ वेंट्रिकल पे आया, फिर ये सीएसएफ जो है वो यहाँ से चला जाता है और जो खाली कैविटीज प्रेजेंट होती है जिसे हम सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं, वो यहाँ पर जाके इस तरीके से ये इसमें भर जाता है। ये इस तरीके से इसमें भर जाता है, ठीक है, ये इसमें इस तरीके से भर गया ये यहाँ पर। उसके बाद में ये एक वे जो है वो इधर आएगा जो कि हमारे स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कोड के चारों ओर भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो उस सेरेब्रो जो सीएसएफ है वो कहाँ पे, स्पाइनल कोड के चारों ओर भी वो यहीं से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया, बाकी का जो है वो इधर आपको दिख रहा होगा, ये इधर जो है वो इस तरीके से पूरा भर जाता है। अब भाई इतना प्लाज्मा आता है, ठीक है, तो भाई प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा बनता होगा, लेकिन एक अच्छी बात ये है, अच्छी बात तो है ही सही हालांकि, पर फिर भी मतलब एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो चारों ओर ब्रेन के और स्पाइनल कोड के चारों ओर मिलाकर केवल 150 ml प्लाज्मा सीएसए प्रेजेंट होता है। कितना, केवल 150 ml जो है वॉल्यूम इसकी होती है, ये यहाँ पर लिखी है मैंने, ये वॉल्यूम जो होती है वो सीएसएफ की कितनी प्रेजेंट होती है, 150 ml, जबकि फॉर्मेशन जो होता है वो 500 to 600 जो है वो पर ml per day होता है। इतना 500 to 600 ml per day CSF का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन है केवल 150। आखिर में ये जो बचा हुआ है वो जा कहाँ रहा है, तो वो जाता है जो भी CSF का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर जो विलाई प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एरेक्नोइड ग्रेन्यूलेशन या फिर एरेक्नोइड विलाई, ठीक है। तो ये विलाय क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा जितना भी है 150 के अलावा एक्स्ट्रा जितना भी है उन सबको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। इसीलिए केवल 150 ml जो है वो सीएसएफ हमारे ब्रेन के और स्पाइनल कोड के चारों ओर प्रेजेंट होता है, बाकी का जो है वो एरेक्नोइड विलाय रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो एरेक्नोइड विलाय के अंदर होता है। तो आई होप आपके ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पर सीएसएफ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे सब चारों ओर जो है ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक बार वो डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। ये लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ पर कॉरोइड फ्लेक्सस में फॉर्मेशन हुआ, फिर वो आता है किसके पास में, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू आता है, तो इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू आता है थर्ड वेंट्रिकल, फिर ये जाता है फोर्थ वेंट्रिकल और फिर ये सेंट्रल कैनाल से फिर दोनों तरफ चला जाता है और स्पाइनल कैनाल में चला जाता है। क्लियर है, ये हमको अभी तक का जो है हमारा पूरा क्लियर है। एक बार हम और यहाँ पर देख लेते हैं कि सीएसएफ लार्जली फॉर्म्ड बाय द कोरोइड फ्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल रिमाइंडर इन द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। कोरोइड फ्लेक्सस के अंदर फॉर्मेशन होता है कहाँ कहाँ पर होता है, लेटरल वेंट्रिकल, फिर थर्ड वेंट्रिकल और फिर फोर्थ वेंट्रिकल, ओके। सीएसएफ जो है इज अ सिलेक्टिव अल्ट्राफिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के अल्ट्राफिल्ट्रेशन से ही सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। और वॉल्यूम कितनी होती है सीएसएफ की, 150 ml, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं कि आखिर में सीएसएफ जो है वो किया क्यों जाता है, क्यों हम सीएसएफ का डायग्नोसिस करते हैं, तो हम करते हैं मेनिनजाइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए। मेनिनजाइटिस कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, वायरस के द्वारा हो सकता है, प्रोटोजोआ के हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया है तो नाइजीरिया मेनिनजाइटिस है, मेनिनजाइटिस जो है वो मेनिनजाइटिस कोज करता है। देखो अगर हमारे इस एरेक्नोइड विलाई में, ये एरेक्नोइड विलाई है, यहाँ पर अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो क्या होगा, सीएसएफ का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ये एक्स्ट्रा सीएसएफ को रिअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी और सीएसएफ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, सीएसएफ का अमाउंट बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पर कोरोइड फ्लक्सेस में कोई दिक्कत हो गई तो क्या होगा, सीएसएफ का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। तो ये इन्फेक्शन जो है वो तो नहीं हुआ है कहीं पे, इसलिए हम सीएसएफ का डायग्नोसिस करते हैं। तो ये सीएसएफ जो है इन सभी चीज़ों से बचा के रखता है हमारे ब्रेन को, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम भी करता है। तो ये अभी आगे हम फंक्शन में देखेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्रेन में तो नहीं है, तो ये सारा डायग्नोसिस हम कहते हैं सीएसएफ के द्वारा। इन्फ्लामेशन तो नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि जैसे मेनिनजाइटिस कोज करते हैं, वायरस भी है कुछ ऐसे जो कि मेनिनजाइटिस कोज करते हैं, प्रोटोजोआ भी हैं जो कि मेनिनजाइटिस कोज करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनता है कि सीएसएफ जो है वो कौन से डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं, नॉर्मली तो मेनिनजाइटिस आता है उसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया।
अगला चलते हैं, हम पहले इसके फंक्शन देख लेते हैं फिर इसके हम कंपोजिशन पे चलेंगे। तो CSF का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन होता है इसका प्रोवाइड फ्लूइड कशन फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट द ब्रेन द स्पाइनल कॉर्ड बाय एक्ट लाइक अ फ्लूइड बफर। ये एक बफर की तरह काम करता है ताकि कोई भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह कोई भी आके एकदम से हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक ना करे तो उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब भी कोई इंजरी होती है, ठीक है, ऐसे कोई इंजरी हो जाती है तो ये क्या करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि ये बाहर से ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पकड़ लेता है, उसको ब्रेन तक जाने ही नहीं देता है। ठीक है, तो उसके अलावा होता है अगला काम कैरीज न्यूट्रिएंट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या करता है कि जब ब्लड में से क्या करता है जो भी असेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज प्रोटीन जो जरूरत होता है हमारी ब्रेन को, ये सारा क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है और इधर से ब्लड से लेकर और सारा वापस दे देता है उसको, ब्रेन से लेकर फिर से ब्लड को दे देता है कि भाई ये इसको वेस्ट कर दो, ये किसी काम का नहीं है। ब्लड से जो इंपॉर्टेंट चीजें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले लेगा और इधर ब्रेन से लेकर उसको दे देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कैरीज न्यूट्रिएंट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द ब्रेन एंड अराउंड द स्पाइनल कोड, के अंदर जो प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को मॉइस्ट भी बनाता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्रेन स्पाइनल कोड टू द ब्लड स्ट्रीम। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि जो कैरीज न्यूट्रिएंट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो फंक्शन भी हो गए हमारे कि CSF के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक या फिर कंपोजिशन ऑफ CSF। CSF के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में से बनते हैं। तो नॉर्मली हम नेचर देखते हैं सबसे पहले कि CSF जो होता है उसका कलर क्या होता है। कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। अगर कोई कलर आ रहा है CSF में मतलब कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.004 टू 1.007, ये जो जितने भी नॉर्मल वैल्यूज वगैरह होती है तो आप बुक में देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन इनमें मिल सकता है, ज़्यादा नहीं होता है पर हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो मिल सकता है। रिएक्शन जो होती है इसकी 7.3 टू 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अपीयरेंस कौन सी होती है तो बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब आती है अगली बार टोटल सॉलिड की, तो टोटल सॉलिड क्या क्या होते हैं इसके अंदर, ये सब आपकी इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है रेफरेंस रेंज आप याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है इसमें 50 टू 45 मिलीग्राम पर डे। अच्छा पता है ये जो सीरम में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना वो ग्राम पर डीएल में होता है। कितने में होता है? ग्राम पर डीएल, जबकि इसमें मिलीग्राम में होता है। ये भी ध्यान में रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, नहीं होना है। एग्जाम में पूछा जाए तो भी आपको CSF में प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है वो मिलीग्राम में होता है, सीरम में ग्राम में होता है। एल्बुमिन 50 to 70% होता है इसमें, ग्लोबुलिन 30 to 50% होता है। ग्लूकोज कितना होता है? 40 to 80 mg पर डीएल। क्लोराइड होता है 700 to 750 मिलीग्राम पर डीएल। सोडियम होता है 144 to 154। ठीक है, और पोटेशियम, ये सारी नॉर्मल वैल्यू है तो आप इनको याद कर लीजिए। जैसे यूरिया है इसमें, कोरोन है, तो यूरिया जो है इसमें ग्राम में होता है, उसमें मिलीग्राम में होता है सीरम में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखने के जैसी है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको रेफरेंस जो है वो याद करनी पड़ेगी। हमारे जो सेल्यूलर एलिमेंट है उस पर चलते हैं, तो सेल्स में 0.8 लिम्फोसाइट इसमें प्रेजेंट होती है पर क्यूबिक एमएम, बाकी और कोई सी सेल नहीं प्रेजेंट होती है। इसमें न्यूट्रोफिल एब्सेंट होती है, जैसे कहीं पे भी जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल जाती है, लेकिन इसमें न्यूट्रोफिल नहीं होती है, इसमें लिम्फोसाइट होती है 0.8 लिम्फोसाइट पर क्यूबिक एमएम, बाकी न्यूट्रोफिल जो है वो एब्सेंट होती है। अगर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन है। एक और रिपोर्टिंग बात कि जैसे हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करने के बाद अगर हम ऑन स्टैंडिंग मतलब ऐसे रख देते हैं उसको तो वो क्लोट हो जाता है, तो CSF को रखने के बाद वो क्लोट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्या नहीं होता है इसमें? कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता है जब आप CSF को रख देते हो निकालने के बाद, तो वो क्लोट नहीं होता है। और अगर जब क्लोट हो जाता है मतलब कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज है उसके अंदर। तो अगला आता है फंक्शन, हमने देख लिया है इसके अच्छे से। ठीक है, तो अगला आता है हमारा कलेक्शन की बात कि भाई हमने देख लिया कि CSF का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, हम क्यों करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि CSF का कलेक्शन कैसे करते हैं, तो ये बहुत ध्यान से CSF का कलेक्शन करना पड़ता है क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। इसलिए तो सबसे पहले तो एक जो वेल ट्रेन टेक्नीशियन या फिर वेल ट्रेन नर्स या फिर फिजिशियन, ये ही CSF का कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो CSF कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जो एक्सपीरियंस फिजिशियन होता है, नर्स होता है, टेक्नीशियन होता है, तभी CSF का कलेक्शन करना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज कलेक्टेड बाय लंबर पंक्चर अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन सिमिलरली टू एनी सर्जिकल प्रोसीजर।
जैसे हम कोई भी सर्जिकल प्रोसेस करते हैं तो बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन में करते हैं, अच्छे से पूरा क्लीन होना चाहिए एरिया, कहीं पे भी इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से सीधा सीधा इसमें भी है, लेकिन सबसे पहले हमें पेशेंट को पोजीशन देनी रहती है इसमें। तो पोजीशन कौन सी देते हैं हम पेशेंट को, इस तरीके से बिल्कुल हाथ जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, पैर इसमें जो फोल्ड कर रखे हैं इस तरीके से होना चाहिए। ये एग्जैक्ट पोजीशन होती है CSF कलेक्शन के लिए। अब तो जहाँ से हम CSF कलेक्शन करेंगे वो एरिया अभी मैं बताऊंगी, तो उसको सबसे पहले हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। जहाँ से हम CSF कलेक्शन करेंगे उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आखिर में CSF कलेक्शन करेंगे कहाँ से, ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो ब्रेन से तो कर नहीं सकते, तो फिर हम करते ही कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर भी CSF प्रेजेंट होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता देती हूँ। पहले ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है, ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। तो कितने कॉलम होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट वन सबसे पहला होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, दूसरा होता है थोरेसिक वर्टिब्रे, और थर्ड होता है लंबर वर्टिब्रे, और फोर्थ होता है सैक्रम और कॉक्सिजल वर्टिब्रे, ठीक है। ये 5 जो है वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इसमें से भी जो 7 सर्वाइकल होता है, कितना होता है, 7 सर्वाइकल, कहाँ पर, हम यहाँ पर देखते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, ये तो क्या हो गया हमारा सर्वाइकल। फिर आता है अगला थोरेसिक, तो 7 तो सर्वाइकल होता है और थोरेसिक कितना होता है, 12, कितना होता है, 12। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रा। देन उसके बाद में आता है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो है हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम कलेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से करेंगे इसलिए। अब जो सैक्रम होती है, और ये जो सैक्रम होती है, सैक्रम कितनी होती है, 5, ठीक है। और ये जो कॉसिक्स होती है, ये होती है 4, कितनी होती है, 4, ठीक है। तो 7 ये हो गई, 12 ये हो गई, 5 ये हो गई, और ये जो सैक्रल है वो हो गई हमारी 5, और बाकी की जो है वो कॉसिक्स जो होती है वो 4। तो टोटल कितनी हो गई, 33, कितनी हो गई, 33। ये इंपॉर्टेंट है आपके याद रखने के लिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये जो लंबर वर्टिब्रा है, इस लंबर वर्टिब्रा के अंदर हम CSF का कलेक्शन करते हैं। अब इसमें भी कहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन देनी है, पूरी जो कंडीशन होनी चाहिए वहाँ पर एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, फिर हम देन पेशेंट को पोजीशन देंगे। देख यहाँ पर देखते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज कलेक्टेड बाय लंबर पंक्चर। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो लंबर पंक्चर है, यहाँ पर लंबर वर्टिब्रा है, हम यहाँ से CSF का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा में से करते हैं, एक मिनट में यहाँ पर आपको हटा देती हूँ। ओके, लंबर पंक्चर के अंदर से हम CSF का कलेक्शन करते हैं। एंड एक्सपीरियंस फिजिशियन और स्पेशली ट्रेंड नर्स डज द LP एंड स्पेसिमेन कलेक्शन। LP मतलब कि लंबर पंक्चर, तो कोई भी एक्सपीरियंस फिजिशियन या फिर वेल ट्रेंड नर्स या टेक्नीशियन ही स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। आफ्टर प्रॉपरली पोजिशनिंग द पेशेंट द स्टेराइल LP नीडल विथ द स्टाइलिस इज इंसर्टेड बिटवीन द L3 एंड L4th एंड 5th लंबर वर्टिब्रा। ये यहाँ पर 4th और 5th हो गया है, तो 3rd एंड 4th, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर 4th एंड 5th नहीं आएगा, 3rd एंड 4th, ठीक है। मैं ये इसको सही कर दूंगी वापस उसमें, तो 3rd एंड 4th लंबर वर्टिब्रा टू अ डेप्थ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या करना है, प्रॉपरली पहले तो पोजीशन दे दी पेशेंट को अच्छे से, फिर जो LP नीडल है, LP नीडल कौन सी होती है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये हमारी लंबर पंक्चर नीडल। LP नीडल मतलब कि लंबर पंक्चर नीडल, जो कि अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग गॉज सबके होते हैं। जैसे ये 60 गॉज की है तो वाइट कलर की होगी, 18 गॉज है तो पिंक कलर, 19 गॉज है तो क्रीम, ठीक है। ये अलग अलग कलर सभी के हैं और अलग अलग गॉज सभी के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम LP नीडल यानी कि लंबर पंक्चर नीडल के थ्रू हम उसको कलेक्ट करेंगे CSF को। तो विथ द स्टाइलिस stylus is inserted between the L3 and L4. L3 and L4 lumbar vertebra के बीच में हम इसको needle को, जो हमारी LP needle है उसको insert करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर L3 और L4 के बीच से हम CSF collect करेंगे, तो हम सबसे पहले उस needle को insert करेंगे with stylet। इसके यहाँ पर जो stylet लगा हुआ होता है, यहाँ पर हम देखते हैं, ये यहाँ पर जो stylet लगा हुआ है, with stylet हम उसको insert कर देंगे। insert करने के बाद the stylet is withdraw and the fluid flow freely into a sterile test tube through the needle, ठीक है। लगाने के बाद में हम वो जो स्टाइलेट है उसको खोल देंगे, और वहाँ पर जैसे ही फ्लूड आने लगेगा तो हम वहाँ पर एक ट्यूब लगा देंगे, इन टू अ स्टेराइल टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और वहाँ पर हम लगा देंगे थ्रू द नीडल।
और वो जो फ्लूइड है हमारी ट्यूब के अंदर आने लग जाएगा। ट्यूब के अंदर आने लग गया तो हमें कितना अमाउंट लेना है, अप्रोक्स 6 to 7 ml। ज्यादा अमाउंट हम सीएसएफ का कलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 6 to 7 ml ऑफ सीएसएफ इज कलेक्टेड इन 3 sterile tube। पहले तो एक ट्यूब में ले लिया, देन हम फिर 3 ट्यूब में लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया टोटल अमाउंट बिटवीन 6 to 7 ml ऑफ सीएसएफ हमने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, विच आर केमिकली क्लीन एंड वॉश्ड विद द डिस्टिल वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर, हम नीडल को निकाल लेंगे वहां पर अच्छे से उसको मतलब क्लीन कर लेंगे, फिर वहां पर बैंडेज लगा देंगे। द नीडल इज रिमूव द एरिया इज क्लीन एंड बैंडेज ओवर द नीडल साइड, जहां पर हमने नीडल लगाई थी वहां पर हम लगा देंगे, बैंडेज लगा देंगे और पेशेंट को जाने नहीं देना है, हम उसको आधे घंटे तक वेट करने के लिए कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, पेशेंट को पोजिशन देनी है, क्लीन करना है एरिया अच्छे से, फिर L3 और L4 के बीच से हमें स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट करना है। तो निडिल लगाएंगे, निडिल लगाने के बाद स्टाइलेट को खोलेंगे, वहां पर ट्यूब लगाएंगे, सीएसएफ कलेक्ट करेंगे 6 to 7 ml और फिर वहां पर निडिल से हमारी जो ट्यूब हटा के स्टाइलेट लगा के निडिल खोलेंगे, ठीक है। निडिल निकालने के बाद हम वहां पर उस एरिया को क्लीन कर देंगे और बैंडेज लगा देंगे, पेशेंट को आधे घंटे तक वेट करने के लिए कहेंगे। अब हमारे पास एक ट्यूब में हमारा स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट हो चुका है। स्पेसिमेन कलेक्ट होने के बाद हम यहां पर 3 ट्यूब में सैंपल जो है वो कलेक्ट करेंगे। एक ट्यूब है जिसमें हम 1 ml लेंगे फॉर बैक्टीरियल एग्जामिनेशन, जैसे कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए हम लेंगे ट्यूब। सेकंड दूसरे ट्यूब में लेंगे अप्रोक्स 2.5 ml, जो कि केमिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लेंगे, ग्लूकोज प्रोटीन, ठीक है, इन सब के लिए हम लेंगे। ट्यूब 3 में भी हमें 2.5 ml जो है वो स्पेसिमेन लेना है, सीएसएफ लेना है, जो कि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे सेल काउंटिंग, तो उसके लिए हमें लेना रहता है। ये 3 ट्यूब हमारे पास होनी चाहिए। इन 3 ट्यूब के अंदर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट वन बैक्टीरियल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एक मतलब कुछ 2-3 बातें हैं जो कि बहुत ध्यान में रखना है जब कलेक्शन हो जाए उसके बाद, कि आफ्टर कलेक्शन टेस्ट स्टार्ट विद इन आवर, ठीक है, विद इन आवर के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमें जो है टेस्ट स्टार्ट कर देना। सेल्स है, सेल काउंटिंग करनी है, तो सेल भी लाइसिस हो जाती है, ठीक है, सेल लाइसिस हो जाएगी, तो इसीलिए कलेक्शन करने के अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर हमें टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट रेफ्रिजरेट सैंपल इफ बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर हमें बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तो हमें सैंपल को रेफ्रिजरेट नहीं करना है। रेफ्रिजरेट क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है नाइजीरिया मेनिनजाइटिस, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो 2 to 8 degrees Celsius पे क्या हो जाता है, किल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, किल्ड हो जाता है 2 to 8 degrees Celsius पर, ये नाइजीरिया मेनिनजाइट बैक्टीरिया जो है वो किल्ड हो जाता है। इसीलिए अगर आप बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तो हम उस सैंपल को रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि ध्यान में रखना है आफ्टर कलेक्शन, ठीक है। हम 1 घंटे के अंदर इसलिए स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि जो ट्रिपोनेमा है वो लाइसिस हो जाता है, सेल लाइसिस हो जाती है अनस्टैंडिंग, ठीक है, ग्लूकोज में भी वेरिएशन आने लगता है, इसीलिए रेफ्रिजरेट नहीं करना है अगर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये हमने 3 ट्यूब में सैंपल लेने के बाद, स्पेसिमेन लेने के बाद हम जो एग्जामिनेशन करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। एक तो है फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सैंपल को देखकर बताते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन में हम जैसे ग्लूकोज प्रोटीन इन सबको देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम सेल काउंटिंग करते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा सीएसएफ क्या होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, कलेक्शन हम सीएसएफ का कैसे करते हैं और सीएसएफ जो है वो किसको डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में सीएसएफ एग्जामिनेशन में। धन्यवाद।